हेलो दोस्तों, आज हम हैंकी कर्स स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो मैंने इस कर्स में आस्तीन की चौड़ाई रखी है 6.5। तो आप कपड़े पे बनाना है तो ज़्यादा ही रखना है इसमें। तो यहाँ ये तो हमारी चौड़ाई हो गई, लंबाई हमारी है 12 इंच। अब हम क्या करेंगे, इसको शेप देने के लिए हमें 3 इंच का निशान लगाना है। इसे इस तरह से शेप देना है, इस तरह से। तो ये हमारा शेप बन गया। अब हम इसमें बॉटम जितना रखना चाहते हो आप रख सकते हो। तो मैंने इसमें 4 इंच में निशान लगाया है बॉटम के लिए, और 1 इंच मेरा मार्जिन का हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे और एक सीधी सी लाइन खींच देंगे, तो हमारे स्लीव का शेप बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब मुझे इसे हैंकी कट बनाना है, तो मैं इसे इस तरह से ट्रंगल शेप में फोल्ड करूँगी पेपर को। फोल्ड करने के बाद जो भी मेरा जो एक्स्ट्रा जो पेपर है इसे मैं काट के निकाल दूँगी इस तरह से। अब क्या करना है, मुझे यहाँ से थोड़ा सा मेरा ये कोना सा बना हुआ है, इसे मैं गोल शेप दूंगी इसमें। यहाँ से ये सिलाई अच्छी आएगी इसकी फिनिशिंग। इस तरह से, और यहाँ से हमें चारों तरफ इस अंदर तरफ फोल्ड करना है जो हम सिलाई करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से पकड़ेंगे बीचों बीच यहाँ से। तो यहाँ पे आप चुन्नट भी डाल सकते हो यहाँ पे। इस तरह से हमारा हैंकी कट बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा नीचे की तरफ रहेगा, इधर से हम सिलाई करेंगे और यहाँ तक हमारे चुन्नट जो हमारा एक्स्ट्रा जो पेपर बचेगा उससे हम कपड़ा बचेगा उसमें हम चुन्नट डाल देंगे यहाँ से। तो हमारा हैंकी कट बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ये हैंकी कट स्लीव्स बनकर तैयार हो गई। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना।